राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। मणिपुर में पिछले साल हिंसा के बीच कुकी जो समुदाय की दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था, मई में हुई इस वारदात का वीडियो जुलाई में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में दावा किया गया कि मणिपुर पुलिस के अधिकारी इन महिलाओं को कांगपोकपी जिले में 1000 मेतेई प्रदर्शकों के बीच लेकर पहुंचे थे। चार्जशीट में कहा गया है कि इन महिलाओं ने पुलिस की गाड़ी में शरण मांगी थी, लेकिन पुलिस ने दोनों महिलाओं को भीड़ के बीच छोड़ दिया, जिसके बाद भीड़ ने उन्हें निर्वस्त करके परेड कराई और फिर उनके साथ शोषण किया। इन महिलाओं में से एक कारगिल युद्ध लड़ चुके सैनिक की पत्नी थी। चार्जशीट की जानकारी देने वाले अधिकारियों ने बताया कि महिलाओं ने पुलिस वालों से सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए मदद मांगी थी, लेकिन पुलिस वालों ने महिलाओं को कहा कि उनके पास गाड़ी की चाबी नहीं है। पुलिस ने महिलाओं की कोई मदद नहीं की। चार्जशीट के मुताबिक यह भीड़ कांगपोकपी जिले में महिलाओं के गाँव में जबरदस्ती दाखिल हुई थी। कई विक्टिम के साथ दोनों महिलाएं भीड़ से बचने के लिए जंगल की तरफ भागी, लेकिन भीड़ ने उन्हें देख लिया। भीड़ में से कुछ लोगों ने महिलाओं से कहा कि वे सड़क किनारे खड़ी पुलिस की गाड़ी के पास पहुंचकर मदद मांगे। किसी तरह महिलाएं पुलिस की गाड़ी तक पहुंची और उसके अंदर बैठ गई। इसके बाद भी ड्राइवर और दो पुलिस वाले गाड़ी में शांति से बैठे रहे। 3-4 पुलिस वाले गाड़ी के बाहर खड़े थे। इन महिलाओं के साथ एक पुरुष विक्टिम भी पुलिस की गाड़ी में बैठा था। उसने पुलिस वालों से हाथ जोड़कर कहा कि उन्हें किसी सुरक्षित जगह ले चले, लेकिन पुलिस वालों ने उसे जवाब दिया कि गाड़ी की चाबी नहीं है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।